click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. ले जाए जाने कहां हवाएं हवाएं कहां से चली ये हवाएं हवाएं वेल हवाएं चल चुकी हैं शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म जब हैरी मेट सेजल का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग रिलीज हो चुका है दोस्तों इंटरनेट पे। मैं हूं राहुल भोज और आज मैं निकला हूं ये जानने के लिए कि लोगों के मन में ये हवाएं कितनी चल रही हैं, यानी कि लोगों का फीडबैक क्या है इस सॉन्ग को लेकर। सारी बातें लेकर आता हूँ मैं हवाएं बनके एक्सक्लूसिवली ऑन बॉलीवुड स्पाई। First of all, Shahrukh has done a very nice acting in it. I love the song. It's very touchy. Pura song jab maine dekha finish kiya, I was like, "Ah, kaash main uski jagah hoti." Seriously, it's so romantic. It's very beautiful, touching and awesome song. I think it's a nice melodious track. It's you know, picturesque backgrounds and Shahrukh as usual, you know, doing his heroic actions and Anushka looking as gorgeous as she does. वैसे तो romantic है वो song और उसमें location भी अच्छा है। बहुत अच्छा लगा, very nice song. I love Shahrukh Khan. क्या बात है। ये गाना तो मतलब बहुत भावात्मक गाना है, हवाएं हवाएं मतलब एकदम आजकल के मौसम से फिट भी बैठ रहा है और तेज तेज हवाएं मुंबई में चलती रहती है, उसके साथ ये गाना बहुत ही एकदम ऐसे जैसे मन को छू जा रहा है गाना, ऐसा गाना अच्छा लग रहा है। और शाहरुख खान और अनुष्का दोनों की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो ये तो पिक्चर मेरे लिए वैसे ही बहुत अच्छी है। और मेरी छोटी बेटी गुजरातियों में ब्याही गई है तो मेरे समधी गुजराती है, इसलिए थोड़ी बहुत गुजराती आती है, तो इसलिए मेरे को भी इसमें इंटरेस्ट है पिक्चर देखने में बहुत। इट वॉज लिटिल सैड इमोशनल, लाइक यू नो पूरा इमोशंस जा रहे एक के बाद एक, सैड हैप्पी अनइवन नो फुल ऑन मिस्टीरियस, सो इट वॉज फन, नाइस ऑलवेज नंबर वन, नाइस जोड़ी। और तीन चार मूवी साथ में कर लिए तो अच्छा लगेगा। दे बोथ आर लुकिंग टू गुड, अनुष्का इज ऑसम ऑल टाइम एंड आई लाइक हर, बोथ ऑफ देम लुक रियली नाइस एंड या इट्स ओवरऑल इट्स अ नाइस सॉन्ग। I can't say better than Virat Kohli, but huh, they are compatible. Yeah, they are good on screen. Obviously, मैं भी एक गुजराती लड़की हूँ, ये सुन के मुझे भी अच्छा लगा कि you know someone is playing our part. तो yes, we are looking forward to watch them. Again, lover boy is back, and Arijit nailed it again. I love him. I think every song of his, he just puts so much soul and life into it. Especially when you listen to them on the earphones, you can totally, you know, I love his voice. And most people out there, starting from, you know, Tum Hi Ho to all his famous tracks, really have a really good recall value with every individual out there, I think. Arijit is anyways awesome. His words that comes out from his mouth are... I love Arijit Singh songs very much. Why? Aur uske different voices rehte hain, always. उनके गाने एकदम दिल को छूने वाले गाने होते हैं, वो एकदम भावनाओं में बह कर गाना गाते हैं, तो ऐसे लगता है जैसे वो खुद गा रहे हैं, खुद ही उसको फील कर रहे हैं, खुद ही वो एक्टिंग भी कर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे वो खुद उसी के अंदर हैं, जैसे शाहरुख खान अरिजीत और अरिजीत शाहरुख खान है ऐसे लगता है। तो ये तो था गाइस हवाएं सॉन्ग का रिएक्शन कि ऑडियंस को कैसा लगा ये सॉन्ग, आपको कैसा लगा ये बताइए। जैसा भी लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट करो यार, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम जानते हैं आपकी राय क्या है। क्यों? क्योंकि ये जो चैनल है बॉलीवुड स्पाई, ये आपका अपना चैनल है जो कि पहुंचाता है सबसे तेज़ एंड एक्सक्लूसिव न्यूज़ ऑफ बॉलीवुड। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तीनों जगहों पर हम जाकर हवाएं चलाते हैं, मतलब वहां पर हैं, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है राहुल भोज विद कैमरामैन विशाल। हवाएं हवाएं हवाएं।